टीकमगढ़ से सटे गांव बिलगे में ग्रामीणों ने बीट गार्ड की मिली भगत से वन विभाग की हजारों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है कि यहां नियम विरुद्ध जंगलों को काटकर खेत का रूप दिया जा रहा है। इस संबंध में उप वन मंडल अधिकारी ने जांच करने की बात कही है। वन परिक्षेत्र अधिकारी राजेंद्र पस्तोर ने कवरेज करने गए मीडिया कर्मियों को भी देख लेने की धमकी दी। टीकमगढ़ में वन विभाग की अनदेखी के चलते वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 6 महीने से यहां पर अवैध रूप से जंगलों को साफ कर खेत का रूप दिया जा रहा है, साथ ही लकड़ी की बाड़ लगाई जा रही है ताकि उस जमीन पर ग्रामीण अपना कब्जा दिखा सके। जब इस संबंध में उप वन मंडल अधिकारी SP शाक्य से बात की गई तो उन्होंने पहले ऐसे किसी भी घटना से इनकार किया, लेकिन फुटेज देखने के बाद उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ जमीन राजस्व विभाग की भी हो सकती है। यदि वन विभाग की जमीन है तो हम उस पर जांच करेंगे और कार्रवाई की जाएगी और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि वन विभाग के कर्मचारी लगातार भ्रष्टाचार कर अवैध रूप से जंगलों की कटाई करा रहे हैं। न्यूज ना दिखाए जाने को लेकर वन परिक्षेत्र अधिकारी राजेंद्र पस्तोर लगातार कवरेज करने गई टीम को धमकाते रहे, लेकिन धमकी देने से ना ही सच झूठा हो जाएगा और ना ही अवैध कब्जे की जमीन वापस होगी। इसके लिए वन विभाग को जांच कर कार्रवाई करने की जरूरत है। हाँ, कब्जा है, कुछ पुराना है लोगों का जो है, जो कई वर्षों से जो है अभी वन अधिकार का भी चल रहा है। वन अधिकार का जैसे ही ये खत्म होता है तो टास्क फोर्स के माध्यम से उन पुराने अतिक्रमणों को भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जिसमें पुलिस प्रशासन और फॉरेस्ट तीनों मिलकर कार्रवाई करेगी। हाँ, बीट गार्ड जो है, अभी मैं आज ही दौरे पर गया था तो वहाँ कोई नया अतिक्रमण देखने में नहीं आया। कुछ पेपरों में खबर छपी थी कि वर्तमान में अतिक्रमण किया जा रहा है पेपर में, लेकिन वह क्षेत्र राजस्व में पाया गया। मैंने पूरे क्षेत्र का दौरा किया और जो लोग पूर्व से अतिक्रमणकारी हैं उनकी खेती पाई गई है, जिसमें शीघ्र ही कार्रवाई की। जंगल मैं पड़े आखे तक। अच्छा अच्छा, कब्जा कब से हो रहा है यहाँ पर? ये 1 साल से, 2 साल से। दो साल से कब्जा हो रहा है। कभी वन विभाग की टीम यहाँ जांच करने आई? कभी नहीं आई। कभी नहीं आई। हमें तो भेजे लिया साहब पास कहा में, हमें तो कभी दिखा देते। यहाँ के ग्रामीणों ने कभी शिकायत की? जो लेने हैं मालूम नहीं मानू आपको। लगभग कम से कम 2000 एकड़ की एरिया में होगी। हाँ, ये कब्जा कब से चल रहा है यहाँ? कब्जा चल रहा है यहाँ से, जो हम लोग अषाढ़ बोलते हैं, ये बोनिंग कहती है। हाँ। तो इसका जब इसे जंगल कटवाई गई, कोई वन विभाग के आते नहीं है, ना आज तक किसी को यहाँ चिंता है कि को क्या है, और ना कभी बार रखा यहाँ दिखाई दिया है ना आता है। वो इतने इतने जबर जबर पेड़, कम से कम 10-10 माने के 1 फुट के पेड़ काटे गए है, जो कि सब एहरवाय लोगों हैं। पहले सुनक नगत्ती के बल रखा एहरवाय है, तो उसने यहाँ पैसा लेके वो कटवाए गए हैं। हमारे देखिए वो बैदी है। अच्छा सर, बर रखा और रेंजर कभी आए जांच करने? नहीं आए। वो यहाँ पर बैदियों को मिलते हैं छिंगन मालों को, तो उनकी मिली भगत से बताए थे कि ये दारू भी पीते थे, यही जंगल सोवाते थे, कटवाते थे, तो इन्होंने मिली भगत से सब काम किया है। हम उनको कई अब तक चीना ही नहीं हो, एक दो बार फोन लगवाओ तो कभी फोन भी नहीं उठाते है, न कभी सलाह, न यहाँ देखते है, न कुछ है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।